वेलकम बैक टू अवर दिलचस्प यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे लंबी कार की। दुनिया की सबसे लंबी कार कब, किसने और कहां बनाई थी? जो लोग कार्स के शौकीन हैं उनके लिए ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प और मनगढ़ंत है। दुनिया की सबसे लंबी कार यूएसए की रियासत कैलिफोर्निया के एक कार मैकेनिक जे ओबर्ज ने 1980 के बाद बनाई थी। इस कार का नाम अमेरिकन ड्रीम रखा गया था। ये कार 26 पहियों पर मुश्तमिल थी और इसकी लंबाई 100 फुट थी। इस कार का अंदराज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी किया गया था। इस कार को बनाने का मकसद मुख्तलिफ फिल्म्स की प्रमोशंस और एडवर्टाइजमेंट था। और अगर बात करें इस कार के फीचर्स की, तो इस कार में बहुत से ऐसे फीचर्स थे जो हर आम कार में नहीं होते थे, जैसे कि ये कार बहुत ज्यादा कपड़ों पर मुश्तमिल थी और इसके अंदर एक स्विमिंग पूल भी था। सबसे हैरत अंगेज ये कि इस गाड़ी के ऊपर हेलीकॉप्टर भी खड़ा किया जा सकता था। इस कार को दो हिस्सों में डिवाइड करके दो मुख्तलिफ ड्राइवर भी ड्राइव कर सकते थे। ये कार एक मल्टीनेशनल कंपनी को ऑफर की गई थी और वो कंपनी को अख्तियार था कि उसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकती थी। और बहुत ज्यादा वर्कर्स की लापरवाही की वजह से 2012 में ये कार बिल्कुल नकारा हो चुकी थी। 2014 में इस कार पर दोबारा गौर किया गया। न्यूयॉर्क में एक ऑटोजियम ऑटोमेटिव टीचिंग म्यूजियम में इस कार को एज ए डिस्प्ले रखा गया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात और मुशाहदात करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, ये थी दुनिया की सबसे लंबी कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।